नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान में प्रवासियों की संख्या जिस तरह से महामारी के समय से लगातार घट रही थी, प्रवासी ओमान को छोड़ करके अपने देश लौट रहे थे, ये बहुत बड़ी चिंता का कारण बना था ओमान में प्रोजेक्ट्स के डीले होने के पीछे। और इस समय ओमान में नेशनल सेंटर फॉर स्टेटिस्टिक्स ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि 2022 जनवरी और फरवरी के महीने में लगभग 60,000 नए प्रवासियों की एंट्री सल्तनत में हो चुकी है। NCSI के आंकड़े के मुताबिक दिसंबर 2021 तक ओमान का जो संख्या था वो लगभग 45,27,000 के करीब था, जो फरवरी में बढ़कर 45,95,000 हो गया है। देखिए, प्रवासियों की संख्या जो ओमान में दिसंबर 2021 तक काम कर रही थी उनकी संख्या 1.409 मिलियन थी, जो कि बढ़कर फरवरी 2022 तक आते आते 1.461 मिलियन हो चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं ओमानी सरकार को ये एहसास हुआ है कि बिना प्रवासी वर्करों के कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रवासियों के वर्क परमिट पे जो लगाया शुल्क है उसको 90% तक उसमें कटौती की गई है, ताकि जो कंपनियां हैं वो बड़ी मात्रा में प्रवासियों को अपने यहां जॉब पर रख सकें। कोविड महामारी के बाद से कंपनियों पर लगातार ये दबाव बना हुआ था कि महंगे दर पर प्रवासियों का वर्क परमिट इशू कराना पड़ता था, जिससे कंपनियां प्रवासियों के भर्ती पर धीरे धीरे अंकुश लगा चुकी थी। लेकिन अब 1 जून 2022 से नए शुल्क शुरू हो जाएंगे, तो उम्मीद यही है कि आने वाले कुछ महीनों में बहुत बड़ी मात्रा में अन्य गल्फ कंट्रियों से बहुत ज़्यादा जो वैकेंसी है वो ओमान की सल्तनत में निकलेगी। अलग अलग कंपनियां यहां पे प्रवासियों को बड़ी मात्रा में जॉब्स देंगे, क्योंकि ओमानी सरकार महामहिम सुल्तान हेतमिन तारिक का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी प्रोजेक्ट डीले चल रहे हैं उसको समय पर ख़त्म किया जाए, और इसके लिए जो भी बाधाएँ आ रही हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। ओमान में निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए जो दीर्घकालीन जो वीज़ा इशू किया जा रहा है 5 साल और 10 साल तक का, और साथ में अब प्रवासी व्यक्ति ओमान में जाकर के कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, यानी कि निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करने का काम ओमानी सरकार कर रही है, और इससे ओमान की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत ही सुदृढ़ता से आगे बढ़ेगी। देखिए, सल्तनत में रॉयल ओमान पुलिस लगातार दो सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर रही है। पहला है ड्रग्स की तस्करी और दूसरा है मानव तस्करी, जी हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अन्य जो गरीब देश हैं वहाँ से जो लड़कियों को या फिर घर में काम करने वाले सर्वेंट के तौर पर लाया जाता है, और यहाँ ओमान में ला करके उनको औने पौने दामों में जो एजेंट हैं वो बेच देते हैं। ये पूरी तरीके से गैरकानूनी है, और कानून को और ज़्यादा सख्त बनाया गया है कि जो भी व्यक्ति मानव तस्करी से जुड़े होंगे उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। रॉयल ओमान पुलिस ने कहा है कि अब हमारी जो जाँच एजेंसियाँ हैं ये पूरी तरीके से सुसज्जित हैं और अपग्रेड हो चुकी हैं। नए नए उपकरण और नए ट्रेनिंग की सहायता से ये अब मानव तस्करी से संबंधित जो मामले हैं उसको अच्छी तरीके से निपट सकती हैं। महामहिम सुल्तान हेतम बिन तारिक की पत्नी लगातार जो सामाजिक विकास कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर के जो लोग बेसहारा हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग अनाथ हैं, जिन लोगों के पास इनकम की सोर्स नहीं है, गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, लगातार उनकी मदद करती हैं। देखिए, अपने गृहनगर का दौरा करते हुए रुस्ताक के विलायत में जो लोग ओल्ड एज थे उनसे मुलाकात की, जरूरतों के बारे में पूछा, पानियों के बारे में पूछा, और उनको हर संभव मदद करने की आश्वासन दिया है। देखिए, सत में